जीन पाके। Hey guys, this is Mojit Matre and you are watching Technical Technology and some fun. आज हम बात करने वाले हैं चीट इंजन के बारे में और उसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में। इसकी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर ले। मैं शुरू करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे ताकि आप कभी ना मिस करें कोई इंपॉर्टेंट अपडेट। तो बिना आपका वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चीट इंजन आपका टाइम बचाता है और जो कट कॉर्नर्स होते हैं कुछ वीडियो गेम्स के उसे ओवरकम करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर आपको किसी गेम के लेवल जल्दी क्रॉस करने हो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। मैं एक पॉपुलर गेम यूज करने वाला हूँ, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी एज एन एग्जांपल। और एक बात बताता हूँ कि आप इस चीट इंजन से ज़्यादा गेम्स को अनलॉक या क्रैक कर सकते हो, वो भी दुगने मज़े के साथ। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से चीट इंजन को डाउनलोड कर ले, फिर आप अपना फेवरेट गेम डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो कोई बात नहीं, उस पर भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी गेम डाउनलोड करता हूँ, फिर दोनों चीट इंजन और उस गेम को एक साथ ओपन करके रख दीजिए। फिर ओपन प्रोसेसर आइकॉन जो कि अपर लेफ्ट चीट इंजन विंडो में है उसे ऊपर क्लिक कर दीजिए और प्रोसेस लिस्ट से अपना गेम .exe एक्सटेंशन से सेव होगा उस पर क्लिक करें, उसे ओपन करें। फिर आपको जो वैल्यू चाहिए वो वहाँ पर डाल दो। जैसे कि आप जानते ही है प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी गेम ओपन करने पे आपको 25 सन्स बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं। आप यूज करके चीट इंजन को आप जो भी वैल्यू उधर डालेंगे वही वैल्यू आपको उस गेम के फिक्स फील्ड में दिखाई देगी। और फिर फर्स्ट स्कैन पर हेक्स फील्ड में क्लिक करें और फिर उस गेम को ओपन करके देखो, आपको वही वैल्यू उस गेम के फिक्स वैल्यू में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर करो, और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करो। तब तक के लिए हास्ता ला वीस्ता गाइज, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।